एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल रेसिपी गुजिया, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। इसमें हमने आधी कटोरी घी ऐड किया है। हम वजन चेक कर लेंगे, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें और ऐड कर लें थोड़ा सा। गुनगुने पानी से अच्छे से गूंथ लेंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा मोयन बराबर है या नहीं। चेक करने के लिए आप इसको एक थोड़ी सी मैदा को हम लड्डू बनाकर देखेंगे और पता चल जाएगा हमारा अच्छे से मोयन लगा हुआ है। इसको अच्छे से हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब हमने मैदा को अच्छे से गूंथ लिया है। इसको हम ढककर थोड़ी देर रख देंगे। अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। अब हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको हम आप चाहे इनको कट कर लें, लेकिन हमने इनको बारीक कद्दूकस किया है। आप इनको कट भी कर सकते हैं। किशमिश को हम कट कर लेंगे और काजू और बादाम को हम कद्दूकस कर लेंगे। नारियल को भी घिस लेंगे। अब हम बूरा को छान लेंगे। आप इसमें पिसी चीनी भी ले सकते हैं। अब हमने मावा को पहले ही गर्म करके फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। इससे हमारी गुजिया खराब ना हो। अब हमने मावा को कद्दूकस कर लिया। इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट किए थे, उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1+1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी मावे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इलायची पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। अब हमने जो बूरा को छान के रखा था, वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। आप बूरा तभी मिक्स करें जब आप गुजिया बनाने तुरंत बनाएं। आप इसको पहले से मिक्स करके ना रखें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मैदा का डो हमने लगा के रखा था, उसको अभी हम थोड़ा सा धो लेंगे और उसको हम हाथों से हथेली से सॉफ्ट कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी हम लोइयां तैयार कर लेंगे। और हमें लोइयों को भी ढककर ही रखना है। जितनी पूड़ियाँ हमें बेलनी है, उतनी लोई हम निकालेंगे और हम लोइयों को भी ढककर रखेंगे।
इसी तरह हम गोल करते जाएंगे और दबाते जाएंगे। और हमारी लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरियाँ तैयार कर ली हैं। हमें पूरियों को एक के ऊपर ही रखना है, हमें पूरियों को अलग अलग नहीं फैलाना है। हमें पूरियाँ एक के ऊपर एक रखनी है, हमें अलग अलग नहीं रखना है। अब हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे। इस तरह पहले हम हाथ से ही गुजिया बनाएंगे, उसके बाद हम सांचे से गुजिया तैयार करेंगे। हमने एक पूरी ली है, उस पर चारों ओर हमने पानी लगा लिया है। अब इसमें 2 टीस्पून स्टफिंग रखेंगे और हम इसको इसी तरह बंद करते जाएंगे दबाते हुए। और इसको हम हाथों से ही अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। इस तरह हम इसको होल्ड करते जाएंगे और हमारे अच्छे से डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। अब हम आपको सांचे से गुजिया बनाकर दिखाएंगे। अब हम गुजिया का सांचा लेंगे, इस पर हम पूरी फैलाएंगे और पूरी की साइडों से हम पानी लगाएंगे। अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे और एक्स्ट्रा डो को हम हटा देंगे। हमारी परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी अच्छे से गुजिया बनकर तैयार है। इसी तरह हम और भी गुजिया इसी तरह बाकी गुजिया बनाकर भी हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम इसको दबा देंगे और एक्स्ट्रा डो को हम हटा देंगे। इसी तरह हम सारी गुजियों को तैयार कर लेंगे और इसको हम ढककर रख देंगे। आप इसको कपड़े में ढककर भी रख सकते हैं। इसी तरह हमने इसको कपड़े में ढककर रखा है। आपको थाली में कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं। आप चाहे पेपर पर गुजियों को फैलाकर रखें और चाहे आप थाली में ढककर रख लें। बस हमें इसको ढककर रखना है, इसमें हमें हवा नहीं लगने देना है। जब हम फ्राई करें तो ये गुजियाँ हमारी सॉफ्ट हों, अगर ये सूख गए तो ये फूट जाएंगी। और दूसरी डिज़ाइन हमने इस तरीके से ही बनाई है। देखिए इसको दबाना है और इसको काट देना है। गुजियों को फ्राई करेंगे। अब हमारी गुजिया अब हम इनको फ्राई करेंगे।